56 छात्र छात्राओं को बस के माध्यम जिले में लाया गया। राज्य शासन के प्रयासों से कोटा में अध्ययन कर रहे बालाघाट के 56 छात्र छात्राओं को बस के माध्यम से 24 अप्रैल की सुबह 2 बजे जिले के कंजई बॉर्डर से वारासिवनी होते हुए बालाघाट पहुंचाया गया और वहीं इन बच्चों को 14 दिन का होम क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं बच्चों ने बालाघाट पहुंचकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला प्रशासन के निर्देश पर विकास रघुवंशी, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत भगवान दास कुमरे, नायब तहसीलदार लामता एवं नलिन बिसेन पटवारी को कोटा राजस्थान से छात्रों को लाने भेजा गया था। वहीं कोटा से घर आने पर सभी छात्र छात्राएं बेहद खुश हैं। आपका नाम क्या है? मेरा आप कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं कोटा राजस्थान से आ रहा हूं। आप कोटा में किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं? आपको कोटा से बालाघाट आने में कैसे सूचना प्राप्त हुई? कुछ जानकारियां दी जाएगी। आप लोग अभी चाहे लालबागा वाले क्यों न हो, आप लोग अभी जा नहीं सकते। जब तक आपको सारी जानकारी बताई नहीं जाती, आपको अभी जानकारी आप यही प्रांगण में उपस्थित। कोटा से बालाघाट आने में आपको किन किन प्रक्रिया का पालन करने के लिए उपदेश दिए गए? जी हमें बोला गया कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग को थ्रू आउट द जर्नी फॉलो करना है, हर 20 मिनट्स में सैनिटाइजर यूज करना है और थ्रू आउट द जर्नी मास्क लगा कर रखना है। अच्छा, आपकी जर्नी कोटा से बालाघाट कैसी रही? सर जर्नी में सबसे पहले वहाँ पे हम लोगों को कोटा में स्वास्थ्य परीक्षण हुआ हम लोगों का। उसके बाद हमको रिस्पेक्टिव बसेस में, जिसमें सारे जिलों के बच्चे थे हमारे मध्य प्रदेश के, वहाँ से हमें रवाना किया गया विद पैकेट्स। हम लोग को नाश्ता दिया था एलएन ने। उसके बाद हम वहाँ से निकलकर राजगढ़ ब्योरा पहुंचे। वहाँ पे हम लोगों के लिए मध्य प्रदेश शासन ने खाने की तैयारी रखी, मतलब खाने का प्रबंध रखा था। उसके बाद वहाँ पे मेडिकल चेकअप्स भी हुए हमारे। उसके बाद वहाँ से जिले के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड की गई बसेस में, बालाघाट के लिए जो बसेस थी उनमें हमको रवाना किया गया। फिर हम वहाँ से निकलकर छात्रावास में रुके थे सारी रात। उसके बाद सुबह उठते ही हम लोग आगे के लिए रवाना हुए। जाना नहीं है चाहे लाल कलवा कहीं छात्र क्यों ना हो, आपको जाना नहीं है। नाश्ता प्रोवाइड किया गया इस थ्रू आउट द जर्नी। हम लोगों को जो भी टीम आई थी उन लोगों की बहुत हेल्प रही, उन लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी, मतलब लाइक खाना अच्छा था, पानी सबकी सुविधा बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। सो आप बालाघाट पहुंच के आप कैसा लग रहा है? जी मैं काफी खुश हूँ, मुझसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स खुश हैं। हम लोगों ने सारी होप छोड़ दी थी कि हाँ हम लॉकडाउन के अंदर कभी जा भी पाएंगे या फिर सच में कोटा से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि पहले की परिस्थिति और जब हम लॉकडाउन में वहाँ रह रहे थे परिस्थितियों में काफी ज्यादा चेंज था। हम लोग को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी, जैसे खाने के रिगार्डिंग, बाहर न जाना, सामान लेना, इन सब चीजों की वजह से पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा था। पेरेंट्स भी काफी परेशान थे बच्चे अलग होने की वजह से। फिर लास्ट में हम लोगों को जब एमपी गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड किया ये फैसिलिटी कि हाँ हम जा सकते हैं, तो काफी खुशी हुई कि हाँ इन बिन साझे जो होप खो दी थी लास्ट में उससे काफी एक नई उम्मीद की किरण जागी। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी एमपी गवर्नमेंट को, एमपी गवर्नमेंट का जो भी हमारे बालाघाट रिगार्डिंग टीम आई थी उनको, सारे जितने भी लोग इस चीज से जुड़े हैं उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, मेरे पेरेंट्स की तरफ से धन्यवाद और जितने बच्चे यहाँ पे आए उन सबकी तरफ से काफी ज्यादा प्रेम एंड स्नेह एंड थैंक यू सो मच। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो पेज न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999